हाँ जी भाई, शुएब भाई के साथ क्या चैलेंज है आपका? एक बॉल पे छक्का मारेगा ये, एक बॉल पे बस। हाँ, एक ही बॉल करूंगा, उस पे छक्का मारेगा और सामान भी नहीं देना इसने। ओके ओके, और ये बहुत लंबा छक्का, और आदिल भाई हार चुके हैं। क्या हुआ, छक्का था? छक्का था, बहुत बड़ा छक्का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। वेलकम हो गया एक और वीडियो के अंदर। यार अभी मैं उठा हूँ, मैंने नाश्ता वाश्ता किया है, लेकिन आज मेरा टेबल खेलने का थोड़ा दिल कर रहा था। अच्छा, तो मैंने साहिल को भेजा, भाई बॉल लेकर आ, टेनिस बॉल, तो टेबल खेलते हैं। एक घंटे से गया साहब जी, अभी तक आया नहीं। हालांकि रात को मैं जीता था, उस हिसाब से उसको मेरी हर बात माननी थी, यस सर बोल के, यस सर बोल के तो वो गया, लेकिन वापस नहीं आया। घंटा हो गया मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं उसको देखता हूँ बाहर कहीं गली में तो नहीं, अगर मिल गया तो उसकी खैर नहीं है, ये तो पता है। पता नहीं बॉल लेने गया या बनाने गया, समझ नहीं आ रहा। कह रहा था किसी दोस्त से लेकर आता हूँ, उसके पास बॉल पड़ी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। लिटरली एक घंटा हो गया वो गायब है, तो मैं अभी देख रहा हूँ बाहर, कहीं मिला तो मैं उसको बहुत सोचने वाला हूँ। उस्ताद यार वो गली में तो नहीं है, पीछे ग्राउंड में देखता हूँ, अगर ग्राउंड में हुआ तो उसकी खैर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। यार मैं ग्राउंड आ गया हूँ, अभी देखता हूँ ये है या नहीं। यहाँ पे तो दो बच्चे खेलते हैं, यहाँ पे तो नहीं है भाई, जबकि वो रहा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे बॉल ढूंढने भेजा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है ये बता। एक मिनट खड़ा हो, बताया नहीं था मैंने आपको? आ रहा था ना बॉल मांगने के लिए। एक घंटा हुआ मैं वेट कर रहा हूँ घर पे, यहाँ खेलते तो ये देख, ये यहाँ पे खेलते, ये जगह यहाँ पे खेलेगा। फील्डिंग पे तेरे को यही पे खड़ा गया, वो साफ जगह पे खड़े हुए, तुझे यहाँ पे खड़ा गया। मैन फील्डर है, कचरे वाला फील्डर है तू, इधर से रोकनी होती है। चल घर में तुझे बताता हूँ। पाँच अभी भी पाँच ओवर गिरे। एक मिनट रुक, जा अंदर, नजर नहीं आई हो, जल्दी जा, मैं बाहर नहीं जाना, अभी बता रहा हूँ जा। हाँ तो यार अभी मुझे जाना है एक घर देखने, क्योंकि बड़े टाइम से ये घर चेंज करने का सोच रहे, तो एक घर मिले वो जाके सर्वे करूंगा, देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो अम्मी अब्बू को इन्फॉर्म करूंगा, फिर अम्मी अब्बू भी एक बार देख लेंगे, फिर हम फाइनल करेंगे जाना है या नहीं। क्योंकि यार यहाँ पे बहुत रेलिया है यार, अब यहाँ से निकलने का मन कर रहा है, अब हमें माइग्रेट मांगता है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अमजद के पास, क्योंकि सारी जो सेटिंग है उसने डलवाई है किसी एजेंट के थ्रू, तो अभी मैं उसके पास जाऊँगा, दोनों जाके सर्वे करेंगे, अगर अच्छा लगा तो घर पे इन्फॉर्म करूँगा, तब जाके हम फाइनल करेंगे करना क्या है, नहीं अगर अच्छा नहीं लगा तो उधर ही उनको फारिग करूँगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। A few inches later. हाँ भाई चले। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक सर? चले ठीक ठाक। चलो चलो, लेट हो रहे हैं ना, 4:30 का लेट, खुद लेट आया बोल मुझे रहे। टाइम पे आया हूँ, आप शुक्र है आपकी बेल खुली हुई थी आज, वरना ऐसी टोपी कराते हो ना, अब क्या करें, जारी रहेगी, अब चल रहे, इसे बंद का टाइम नहीं। 1 hour later. यार वो घर वर देखा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। एक तो फैमिली थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दूसरा उसका मालिक मकान बहुत ही बड़बड़ कर रहा था यार, इतना ज़्यादा रेंट बता रहा था, पता नहीं कोई महल रेंट पे दे रहा है, बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं था। एक तो होता है ना 1920 का फर्क था। तो खैर मैं वापस आ गया वहां से, उसको मैंने मना कर दिया, तो अभी मैं प्रैक्टिस पर जा रहा हूँ। आज खाली फील्डिंग है, बैटिंग बॉलिंग का चक्कर नहीं है, तो थोड़ी एक आध घंटा फील्डिंग करके आते हैं, क्योंकि संडे को मैच है, तो मैच से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात तो सही है। तो साहिल को भेजा पेट्रोल भरवाने, बाइक पे बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल भरवा के आएगा, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर प्रैक्टिस के लिए निकलूंगा। भाई तैयार तो हो गया, लेकिन साहिल भाई बाइक छोड़ के शार्ट हो गए, अभी मैं कैसे जाऊँ, मेरे को बाइक ठीक से चलानी नहीं आती। एक तो बाइक है भी अमजद की, अपनी नहीं है, तो अभी डबल रिक्स से, एक तो अपनी जान का रिक्स से, ऊपर से बाइक ख़राब हो जाएगी तो वो फटीक अलग पड़ेगी, तो अभी क्या करूँ यार, रिक्स लूँ नहीं लूँ रिक्स। हाँ तो भाई यहाँ मैं आ गया हूँ, यहाँ राव भाई ने कैटेगरीज बनाई हैं भाई, जो बिगिनर्स हैं वो अलग कर रहे हैं, जो थोड़े अच्छे हैं उनको खुद करवा रहे हैं, बाकी टैपिंग वैपिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा वार्म अप वगैरह करता हूँ, स्ट्रेच वगैरह करके थोड़ा सा अच्छे से बॉडी खोल के मैं भी फील्डिंग शुरू करता हूँ। यार बड़े टाइम बाद फील्डिंग कर रहे हैं, आज मज़ा आएगा, उंगलियाँ तोड़ेंगे राव भाई मेरी। भाई वार्म अप वगैरह मैंने कर लिया, अभी इसके बाद मेरी फील्डिंग का सीन है। अभी राव भाई ने बोला कि ये इनको फारिग करेंगे, पहले इनको फारिग करने के बाद मेरी अलग से करवाएंगे, आज मेरी क्लास है मतलब।
तो अभी ये लड़के फ्री होते हैं तो फिर मेरी फील्डिंग शुरू हो जाएगी। फील्डिंग कराएंगे शॉर्ट कैचिंग से, बस शॉर्ट फील्डिंग कराएंगे, ठीक है। सर्कुलर फील्डिंग कर रहा है, मिड ऑफ फील्डिंग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए कराएंगे शॉर्ट, उसके बाद चलाएंगे इसको कैचिंग शॉर्ट भी कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें आप। चलो एक मिनट ना, यहाँ पर आवाज़ है, आवाज़ है। आदिल भाई का सेशन खत्म हुआ है और बहुत इंटेंस सेशन था। बर्फ बर्फ मिलेगी यहाँ यार, फील्डिंग वगैरह तो हो गई है लेकिन बहुत हालत टायर्ड हो गई कसम से यार। अभी सैफुल्ला एक लड़का, ये मुझे कह रहा थोड़ी सी बॉलिंग कर लो, तो थोड़ी बॉलिंग कर लेता हूँ, अच्छा है इतना। गुड बॉल एंड वेरी गुड बॉल अगेन। हाँ जी भाई, अशोक भाई के साथ क्या चैलेंज है आपका? एक बॉल पे छक्का मारेगा, एक बॉल पे बस। हाँ, एक ही बॉल करूंगा, उस पे छक्का मारेगा और सामान भी नहीं पहना इसने। ओके हो गया, किया हुआ नहीं है सामान, कुछ पहना हुआ नहीं है इसने। आगे ग्लव्स पहना इसने, चलो ग्लव्स पहन ले भाई, वो ग्लव्स पहन ले, नहीं बोलना। चलो भाई चलो, और ये बहुत लंबा छक्का, और आदिल भाई हार चुके हैं। क्या हुआ? छक्का था? बहुत बड़ा थी। शेब भाई छक्के मार के जीत चुके हैं। बकरा जीत गया भाई, क्या है भाई, क्या लगा हुआ था? रखा ही नहीं था, अभी लगाओ बकरा, चलो बकरा लगाओ। हाँ। क्या लगा हुआ है उससे पूछो ना। शेब भाई जल्दी बता, बस औकात दिखा दी भाई ने। चलो यार फिर भी चैलेंज खेल लो। आउट है। यार प्रैक्टिस हो गई अपनी, अभी हम घर जा रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से आया था अकेले बाइक चला के, शुक्र है वापसी में बंदा मिल गया। गुलचन तक मुझे छोड़ देगा, वहाँ से मैं पहुँचा दूंगा किसी तरह भी घर पे। A few minutes later. ओए, ये तो मेरा फ्यूचर है, ये प्रेजेंट पे आ गया मैं। अभी चेंज वेंज करके खाना खाते हैं यार सबसे पहले। हाँ यार खाना वाना खा लिया, अभी थोड़ी सर पे मालिश करवाता हूँ साहिल से। वैसे भी आखिरी घंटा रह गया, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगा, तो आखिरी घंटे में तो थोड़ा सा एंजॉय करें। बात तो सही है। हाँ यार जल्दी कर, आखिरी घंटा है वैसे भी, इसके बाद तू फ्री है। अरे चश्मा उतारने दे। A few moments later. हाँ यार मालिश वालिश हो गई, आधे में भाग गया वो। अभी अमजद की कॉल में कॉल आ रही है, उसकी बाइक मेरे पास है, उसको बाइक चाहिए, पता नहीं उसने कहाँ जाना है एमरजेंसी में, कह रहा जल्दी आ भाई मुझे बाइक चाहिए, तो मैं अभी उसको बाइक देने जा रहा हूँ। और आज के लोग को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।